अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, आज रिजर्वेशन जो पास किए हैं, इससे जो है अवाम पे किस तरह का मैसेज आएगा और क्या होगा? आज सारे हिंदुस्तान के शहरी परेशान हैं। 3 महीने से रोडों पे हैं। हमारे माएँ और बहनें दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर राजस्थान तक, गुजरात तक रोडों पे आ चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, किसान परेशान हैं, स्टूडेंट्स के अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये सारे हालतों में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब, टीआरएस पार्टी के नहीं, तेलंगाना के एक हेड है, वो फैमिली हेड है, क्योंकि तेलंगाना को अपनी फैमिली समझते हैं। बहुत बड़ा जो दिमागों में टेंशन था, बोझ था, ना कि तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना के शहरियों के दिमागों में बर्डन था, बहुत बड़ा बोझ था, साथ ही साथ सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर एक डाउट था, दिमागों में डाउट था, परेशान थे कि भाई एक ऐसा एक्ट आया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब मजहबी बुनियाद पर लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए हमारी मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कन्फ्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन छोड़ दिए, मजहबी बुनियाद पर बनाई है, तो वो कन्फ्यूजन कहाँ तक जा सकता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। साथ ही साथ NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फिर उसके बाद में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं और हमारे हिंदुस्तान के, भारत के होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, वो ऐसे ऐसे कि दोनों की कोई बात जमती नहीं। ये सारे जब एक जिम्मेदार शख्स, भारत का प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है और उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कुछ बोलता है, तो लोग कितना कन्फ्यूज होंगे। जाहिर सी बात है, केसीआर साहब आज तेलंगाना की असेंबली में CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ, NPR के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं यूनानिमस। वो रेजोल्यूशन में वो क्लियरली कहे हैं कि मेरे पास ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तेलंगाना में आदिवासी और जितने भी मतलब पिछड़े तबकात हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गाँव में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो गरीब है, ये लोगों के पास किसी तरह का कोई गवर्नमेंट कार्ड नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन या एक मजहब की बात नहीं है, लोग कंफ्यूज करने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये सवाल जो है NRC का, NPR का, इसके अंदर सारे कौमों को ना, ये जो भी इसके अंदर डेटा देना है, खाली एक मुसलमान को नहीं देना है, सबको, रेड्डी को देना है, राव को देना है, कम्मा को देना है, वैश्य को देना है, सभी को देना है, मुसलमान को देना है, सिख को देना है, क्रिश्चियन को देना है, बौद्ध को देना है, जैन को, सबको देना है। लेकिन इसके अंदर जब ये पूछा जाएगा कि आप अपने बात की भी प्रूफ लगाओ, आपका वोट लेकर जीतते हैं तो आपके वोटर आईडी कार्ड से ही आपको शरीयत देना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड से ही वो लोग हुकूमत में आए हैं। लेकिन वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के, कितना बड़ा मजाक चल रहा है, उनको इतने बड़े ओहदे पे बिठाई हमारे भारत की आवाम, तो भारत की आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो मजाक का ही जो मजाक, जिस तरह से अपने ही आवाम से मजाक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप अपनी शरीयत प्रूफ करो, आपके ऊपर बर्डन है। अब मेरे को बोलेंगे कि आप अपनी शरीयत प्रूफ करो, मैं बोलूँगा कि मैं फलाने जरचला में पैदा हुआ, वहाँ पे मेरा SSC हुआ, वहाँ इंटर हुआ, वहाँ डिग्री हुआ, मैं हैदराबाद में फिर LLB करा, MBA करा, मैं अभी वकील हूँ, मैं सब सारी चीज़ें प्रूफ करूँगा, मैं ड्राइविंग लाइसेंस दूंगा, मैं वोटर आईडी कार्ड दूंगा, मैं आधार कार्ड दूंगा, मैं पासपोर्ट दूंगा, पैन कार्ड दूंगा। नहीं, ये सब नहीं चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 1990 के बाद में बर्थ सर्टिफिकेट का अवेयरनेस आया है, मेरे छोटे भाई के पास है बर्थ सर्टिफिकेट, वो अभी न्यूजीलैंड का सिटीजन है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पढ़ा लिखा है, न्यूजीलैंड चले गया, बोला कि यहाँ पे तो मजाक ही होगा हिंदुस्तान में, हम क्योंकि हम प्यार करते हैं हमारे भारत को, तो हम यहीं है, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। केसीआर साहब यही कहा है, जब मेरे पास नहीं है, जो बंदा मजदूरी करता है, अड्डों पर देखते हैं, हैदराबाद में कई अड्डे हैं, जो गाँव से आके लोग काम करते हैं, बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अरे उसके पास तो कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, तो कहाँ से प्रूफ करेगा? अगर वो प्रूफ नहीं करेगा, डी डाल देंगे और डिटेनिंग सेंटर को भेज देंगे, उसके बीवी बच्चों को भेज देंगे।
अरे दिल्ली के सीएम भी वही कह रहे हैं कि मेरे पास भी नहीं, मुझे मेरे बच्चों को कैसा कानून बनाने से पहले, क्योंकि एक तजुर्बेकार को अगर सपोज आप अहदे पे बिठाते हैं तो वो अपने तजुर्बे से सारी आवाम की खिदमत करेगा, जिसको तजुर्बा नहीं है, जो मजहब के नाम से जीतना चाहता है, जो डिवाइड एंड रूल कर जीतना चाहता है, ऐसे इंसान को अगर जिताएंगे हम, वो क्या करेगा, लोगों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा, हिंदू हिंदू करेगा, मुसलमान मुसलमान, सिख ईसाई करके बोलेगा, हम सबको डिवाइड करेगा और वो अपनी कुर्सी संभालेगा। हमको हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत को अगर अपना खानदान समझता है, फैमिली समझता है, तो ऐसी तकलीफा नहीं देता। आज शाहीन बाग में कितने महीनों से बैठे हैं बहने, वो औरत बच्चियाँ हैं, वो माएँ हैं, वो पढ़े लिखे लड़कियाँ हैं, पढ़े लिखे खानदान के लोग हैं, कितने तकलीफ है। बल्कि सिर्फ तेलंगाना की आवाम के दिमागों का बोझ हल्का नहीं किया केसीआर साहब, सारे हिंदुस्तान के आवाम को एक मैसेज दिए हैं, ये जो कानून लाए हैं सीएए मजहबी बुनियाद पे, बेसिकली मजहबी बुनियाद एक ऐसी चीज़ है, हमारा भारत आज़ाद मजहबी बुनियाद पे नहीं हुआ। हमारे भारत आज़ाद होने का मकसद कुछ सेकुलरिज्म था, सबको मसावत था, जो लोग हर कौम को जो कौम को मानते हैं वो आपका बिलीफ है, आपका ट्रस्ट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मानने वाले, खुदा को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, गॉड को मानने वाले, नहीं मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं है, वो ईश्वर के बंदे नहीं है, वो गॉड के बंदे नहीं है। अब ये क्या प्रोपेगेंडा किया गया बीजेपी कांग्रेस दूसरे मुख्तलिफ पार्टी वाले, भाई इसको एक रंग दे दिए कि मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको भी पूछेंगे, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बताने पड़ेगा, नहीं तो डाउटफुल डालेंगे, आपका वोट हक छीन लेंगे, आपका तकरीबन आपका पूरा राइट छीन लेंगे। ये पूरे जो कन्फ्यूजन थे उसको क्लोज करने लगे केसीआर साहब बहुत बेहतरीन तरह से, एक बेहतरीन आज़ादी मिली है हमको सेकुलरिज्म की बुनियाद पर। सेकुलरिज्म एक ऐसी चीज़ है, सबकी इज्जत करना है, सब मजहबों की इज्जत करना है, सब मजहबों को मानने वालों को, नहीं मानने वालों को, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल को ही वायलेशन किया गया इसको आर्टिकल 14। तो आज मैं तेलंगाना की आवाम की आवाज, क्योंकि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जब कुछ रेजोल्यूशन पास करता है अपनी असेंबली में, तो इसका मतलब होता है कि तेलंगाना का हर वो शहरी, हर बच्चे से ज़ईफ, हर कोई इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो अपनी सबकी तेलंगाना की एक आवाज़ केसीआर साहब बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड पास करके फॉरवर्ड किया। इसमें वही कहे हैं कि मेरे तेलंगाना की आवाम को ये जितने सारे जो कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन है, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको जहनी तकलीफ से बचाने के लिए, उनको अपने सुकून से जो महरूम कर रहे थे उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसलिए इसके अगेंस्ट में, यानी कि इसके खिलाफ है, ये सीए के खिलाफ में, एनआरसी के खिलाफ में, एनपीआर के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास किया। इसके अंदर क्लियरली और बहुत कुछ कहा है उन्होंने, वेरी क्लियरली बहुत साफ साफ बताएं, बताइए आज जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनके पास क्या है, वो अपने भारत के बच्चे नहीं हैं, उनको डिटेंशन में डाल देंगे। हमारे भारत में कितना परसेंटेज है एजुकेशन का, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो तकलीफ़ों में ऑलरेडी है, उसको और तकलीफ देंगे, उसके ऊपर डालेंगे बटन के तुम शहरी हिंदुस्तान के प्रूफ करो, जबकि उसका वोट लेते हैं और आप सत्ते में आते हैं। और इसी तरह से तेलंगाना की आवाम की तरफ से, मैं हिंदुस्तान की सारे सिटीजन्स की तरफ से, शहरियों की तरफ से, मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको यही मैं मतलब शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूँ कि अभी सारे तेलंगाना की आवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं, ये सारे जो इसके पीछे जो प्लानिंग है उसको समझिए, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते, हमको रोडों पर बिजी करना चाहते हैं, हमको गुमराह करना चाहते हैं। आज फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से छोटे से छोटे कारोबार से लेकर बड़े बड़े कारोबारी को पूछिए कि आज कितने परेशान हैं, मुलाजिमों को पूछिए कि उनकी क्या तनख्वाह के टाइम पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, सबको पता है लेकिन सब चुप है, कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं।
इसकी वजह जैसे करनी वैसी बननी। हमारी आवाम जो 2019 में 2014 में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसी पार्टी को लाए वो पार्टी सिर्फ आपको तकलीफ ही देगी। तो अभी जहन बना लीजिए, मैं सभी खास तौर पे मैं मेरे हिंदू भाइयों से जो पढ़े लिखे हैं समझदार लोग हैं, वही उसी तरह से जो सिख भाई है जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, क्रिश्चियन भाई सिख भाई, उसी तरह से बौद्ध हमारे जैन पारसी और कोई मज़हब को मानने वाले नहीं मानने सारे हिंदुस्तानी शहरियों से भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट करता कि 2024 में ऐसी गलती ना करें। आप जब अपने घर में कम से कम अगर एक काम वाले को रखते हैं, झाड़ू मारने वाली को रखते हैं, तो आप पूछते हैं कि एक्सपीरियंस है क्या। उसी तरह से आप कोई काम देते हैं किसी को, तो एक ड्राइवर को भी गाड़ी हायर करते तो पूछते हैं कि गाड़ी चलाने आता ना, अगर गलत चला तो उसको उतार देते हैं। लेकिन हमारी आवाम ऐसी हो गई जब उनको इतना बोल देंगे भाई एक मजहब के नाम पे, एक रिलीजन के नाम पे कानों को खुश कर दो, ये लोग उसको वोट डाल देंगे, उसको जिता देंगे। ऐसे ही होगा, रिलीजन की बुनियाद पे अब वोट नहीं डालेंगे, कसम खा लीजिए, वोट ले लीजिए। आगे 2024 में हम कोई भी अगर मजहब का नाम लेता है तो हम उसके वोट नहीं देंगे, कसम खाइए। अपने आत्मा से अंतरात्मा से पूछ लीजिए, आप अपने जमीर से पूछिए, अपने 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 अंदर पूछिए, झांक कर देखिए मजहब की बुनियाद पे हम अपने लीडर को चुनना है या डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारे बच्चों की, खासतौर पे बता दो, सिंपल सी बात बताओ, आज भारत में हर आदमी परेशान, हर फैमिली का हेड इसलिए परेशान है उसको अपना घर चलाने के लिए जो राशन होता है वो खरीदने की हालत में नहीं है। उसी तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजाने के जो ये इतने तकलीफों उठा के फीस बनता है, बहुत ह्यूज फीस है। बीमारी आ गई दवाखाने के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर जाती घर नहीं है, किराए का घर है तो किराया नहीं बन सकता, करंट के बिना इतने ज्यादा है कि वो बन नहीं सकता, पानी का बिल नहीं बन सकता, प्रॉपर्टी टैक्स अगर है तो बन नहीं सकता, और उसके ऊपर ये सब सारी चीजें सिर्फ ये हमारी जो सेंट्रल हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको हम सवाल ना करें, वो हमसे सवाल कर लिए। हम ये सवाल करेंगे 15 लाख रुपए कहाँगे, हम ये सवाल करेंगे पिछले 5 साल और 1 साल में क्या काम करे, डिमोनेटाइजेशन करें आप, GST लाए, ट्रिपल तलाक लाए, वो मोटर व्हीकल एक्ट लाए, ऐसे ही पूरे ऐसे फजूल एक्ट ना लाके अपने को परेशान करना है। उसके बाद में अब ये लेके आए NRC NPR CAA, हमको सिर्फ रोडों पे छोड़ना है, क्योंकि हम उनको सवाल ना करें, ये सवाल ना करें कि भाई आप क्या करें, तो हमको पूछे कि तुम कौन है, तुम शहरी है नहीं है, ये डाउट क्लियर करने के लिए आज KCR साहब उसके खिलाफ बिल पास करने के लिए मैं सारे तेलंगाना की आवाम की तरफ से, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन मानने वाले खुदा को नहीं मानने वाले सब की तरफ से KCR साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, सारी आवाम से करता हूँ, जो मैंने कहा है उस पर गौर करें। आने वाले 2024 के इलेक्शनों में अहद कर लें, कसम खा लें और वादा कर लें कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो जैसे कि हमारे तेलंगाना के CM KCR साहब सबका डेवलपमेंट चाहते हैं, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी सारे हिंदुस्तान सारे भारत की जो डेवलपमेंट के बारे में जो सोचेगा, सेक्युलरिज्म के बारे में सोचेगा, सारे मजहबों को एक नज़र से देखेगा, सारे इंसानों को इंसान समझेगा, सारे भारत के सिटीजन्स को अपने घर के लोग समझेगा, ऐसे आदमी को चुनेंगे। जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता वो देश नहीं संभाल सकता। मेहरबानी करके मेरे बात पे गौर करें। मैं रमेश साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने नाज़रीन को मेरे जो ख्याल थे उनके सामने रखने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राइम टुडे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौका देने पर।